टेंडर्स महाराष्ट्र। इससे पहले के वीडियो में हमने एक टेंडर डाउनलोड किया था, उसको हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो हम देख लेते हैं उसे। यह हमारा फोल्डर है, यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन करता हूँ। आज के वीडियो में हम ये जो फोल्डर है हमारा, इसको एक्सट्रैक्ट करना देखेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ओपन विथ विंड्रार एक ऑप्शन ये है, एक्सट्रैक्ट फाइल ये दूसरा है, एक्सट्रैक्ट हियर ये तीसरा है, और एक्सट्रैक्ट टू वर्क ये चौथा है। मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ। चार तरीके तो नजर आते हैं हमें, लेकिन हम वो तरीका देखेंगे जो आसान हो और जिसमें गलती के चांसेस कम हो। गलती तो वैसे किसी भी ऑप्शन को यूज करने में नहीं होती है, लेकिन जो आसान है वो तरीका देखते हैं। देखिए, ये जो फोल्डर का नाम है, उसी फोल्डर का नाम आता है अगर मैं इसे राइट क्लिक करूँ तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसी नाम से आता है। अगर मैं इस पर एक सिंगल क्लिक कर दूँ तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है। उसी नाम का एक दूसरा फोल्डर बनता है अगर इसे डबल क्लिक किया जाए तो। इसमें कौन कौन सी चीजें वो नजर आती है, तो इस फोल्डर में सिर्फ बी ओ क्यू है जो कि हमें यहाँ नजर आती है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जिसकी वजह से मैं बैक हो जाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकता हूँ, तो मैंने डिलीट कर दिया। मैं दोबारा बताता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर यहाँ पर रेडी हो जाता है।